हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया SSD इंटरफेस M.2 के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था M.SATA के बारे में, तो ये जो है ये उससे भी लेटेस्ट है M.2 स्लॉट। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला स्लॉट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, और मेरा बहुत ही फेवरेट भी रहा है ये। मैं खुद ही हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि आपके पास जो भी लैपटॉप है उसके अंदर कौन सा इंटरफेस अवेलेबल है। अगर आपके पास M.SATA इंटरफेस है, यानी कि M.SATA स्लॉट है आपके लैपटॉप के अंदर, तो आपकी मजबूरी है कि आप हमेशा M.SATA SSD ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके लैपटॉप के अंदर M.2 स्लॉट हुआ, तो आपके लिए बहुत कुछ बेहतर मिल सकता है। SSD के अंदर चॉइस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, बेहतर से बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो स्लॉट है वो हम कंपेरिजन कर लेते हैं बाय साइज, कि उसके साइज में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था M.SATA, जिसका जो विड्थ होता है वो 30 mm होता है, यानी कि उसकी जो लेंथ है 30 mm होता है, और M.2 का जो विड्थ है वो 22 mm है। तो यहां साइज का सबसे बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है साइज। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे समझने के लिए, तो अगर कंपैरिजन करेंगे एक साथ होगा तो समझ में आएगा 30 mm का और 22 mm का साइज में डिफरेंसेस आएगा। लेकिन अब वहां पर प्रॉब्लम्स ये आ सकती है कि आप जब अपना लैपटॉप ओपन करेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि हमारे लैपटॉप के अंदर M.SATA है या फिर M.2 है। तो जैसे आप उसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 8 पिन अलग होगा, और उसके बाद ये पिन सारी दिखाई देगी, थोड़ी सी बड़ी पिन है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो छोटा स्पेस है उधर मात्र 4 पिन दिखाई देगा, और उसके बाद बहुत सारी पिनें दिखाई देंगी। और हमेशा जो है M.SATA से M.2 के अंदर जो है ज्यादा पिन्स आपको मिलेगी। तो यहां पर साइज जो है अगर हम कंपेयर करेंगे M.SATA से, तो M.2 का जो साइज और भी छोटा हो गया। और आज के डेट में अगर हम बात करें जितने भी लेटेस्ट मॉडल लैपटॉप्स के आ रहे हैं, या फिर एक एडवांस मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड अगर आप परचेज करते हैं, तो उसके अंदर जो है M.2 स्लॉट ही आपको मिलने वाला है। और आगे हम देखते हैं इसकी लेंथ पर अगर हम बात करें, तो जो इसकी विड्थ है, आप यहां पर ध्यान दें, यानी कि यहां पर अगर हम सिर्फ कनेक्टर की बात करें, तो कनेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ हम इसको मानेंगे, लेकिन अगर विथ SSD या विथ कार्ड अगर हम बात करेंगे तो हम इसको विड्थ मानेंगे, और कार्ड्स की इस तरीके का जो लेंथ आएगा उसको हम इसको हम लेंथ मानेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इस तरीके से कोर्स में आती है, यानी कि 20-30, यानी 22-30, 22-42, 22-60, 22-80 और 22-110। तो इसके अंदर क्या है कि जो 22 है, 22 यानी कि ये है इसकी ये विड्थ है, और 30 30 जो है यानी 30 जो है वो इसकी ये लेंथ है, जो कार्ड लगेगा उसका लेंथ है। अगर ये 30 mm का जो कार्ड लगेगा तो उसको उसको हम बोलेंगे 22, यानी कि विड्थ हो गई उसकी, और 30 mm जो है इसकी, 30 mm जो है उसकी लंबाई हो गई। उसी प्रकार से ये 22-42 और लास्ट में 22-110, यानी कि 22 ये इसकी विड्थ हो गई और इसकी जो लंबाई है वो हो गई 110 mm। तो वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्ड आप यूज कर रहे हैं, या फिर कौन सा आप SSD यूज कर रहे हैं, वो उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। आगे हम बात करते हैं लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के अंदर ये डायरेक्टरी लगा हुआ मिलता है, और लैपटॉप के अंदर ये ब्लैंक नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर वाईफाई कार्ड उसके ऊपर लगा हुआ मिलता है, जो उसके ऊपर वाईफाई कार्ड, या आप उसको लैन कार्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ कार्ड भी बोल सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। वो इस तरीके से लगी होती है, जो नीचे आप लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं, और इस तरीके से उसका कार्ड आता है। तो ये कार्ड खराब होता है तो आपको अलग से भी कार्ड परचेस करना होता है, वो कार्ड मिल जाता है और इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो है आप जो है इसके जगह पर आप SSD लगा पाएंगे। अब यहां पर सवाल आता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसके जगह पर अगर आप SSD यूज करते हैं तो हम अपना वाईफाई कार्ड कैसे लगाएंगे, वाईफाई को हम कैसे चलाएंगे, या फिर ब्लूटूथ को हम कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए जो है आप घबराए नहीं, आप SSD अगर आपको यूज करना है M.2, तो आप यहां पर M.2 का SSD आप परचेस करके, बाय करके लगा लें,
और जहां तक सवाल है वाईफाई कार्ड का, तो वाईफाई कार्ड जो है बहुत सस्ते में ही आपको जो है अलग से यूएसबी कार्ड आपको मिलता है, वो आप परचेस कर सकते हैं, जो 250-300 में मिल जाता है। आप इजीली यूएसबी में आप जो है लगा करके आप अपना वाईफाई कनेक्टिविटी को जो है इनेबल कर सकते हैं बाद में भी। तो यानी कि आपका काम नहीं रुका, बस जो वाईफाई इंटरनल था वो एक्सटर्नल आ गया, आप जो है बाहर से आप उसको यूज कर पाएंगे और इंटरनल उसके जगह पर आप जो है एसएसडी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम एसएसडी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे सिर्फ उस स्लॉट्स के बारे में, क्योंकि एसएसडी को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए स्लॉट्स को जानना जरूरी है। इसीलिए हम पहले स्लॉट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद बेहतर एसएसडी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है डेस्कटॉप, अगर आप एडवांस जो है डेस्कटॉप मदरबोर्ड परचेस करते हैं तो ज्यादातर मदरबोर्ड में वो पहले से ही लग करके आ रहा है M.2। अगर नहीं है तो आप इस तरीके का कार्ड बाई कर सकते हैं जो X4 में, X2 में और X16 में भी आते हैं। तो इस तरीके से PCI स्लॉट पे इजीली लग जाएगा और उसके बाद जो है यहां पर आप कार्ड अलग अलग साइजेस के लगा सकते हैं। ये डबल M.2 स्लॉट्स के भी आते हैं, सिंगल M.2 स्लॉट भी आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कार्ड परचेस करके आप अपने डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है आपको कि आप कहां से परचेस करेंगे तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल डायरेक्ट जाकर के उस लिंक से आप इजिली परचेस कर पाएंगे और आप अपने डेस्कटॉप के अंदर भी जो है बहुत ही इजिली M.2 SSD आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। तो यहां पर स्पीड बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि M.SATA के अंदर था। तो M.SATA के अंदर भी आपका वर्जन जो पहला वर्जन था वो 1.0 था, तो यहां पर भी वर्जन जो है 1.0 है। साटा बस पे चलता है ये, यानी कि जो फर्स्ट है वो 6 Gbps इसका स्पीड मिलने वाली है। अगर हम बाइट में देखेंगे तो 600 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड इसके अंदर मिलेगी। ये प्रैक्टिकली है क्योंकि अगर बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो अलग आएगा, 1280 बाइट्स इसके अंदर आएगा। लेकिन हम यहां पर प्रैक्टिकल बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल क्या मिल सकता है। तो यहां पर जो है आपको 600 और 500 मेगाबाइट पर सेकंड के आसपास की स्पीड इसके अंदर मिलती है। उसके बाद इसका अगला वर्जन जो है 2.0 है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर M.SATA या फिर M.2 स्लॉट को समझना है तो एक बार आपको PCI स्लॉट वाली वीडियो को देखना होगा। तो आप बैक जाकर के एक बार PCI स्लॉट वाली वीडियो को देखें तो प्रॉपर तरीके से सारी की सारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट वर्जन है वो SATA ही है। तो यानी कि फर्स्ट वर्जन का अगर आप SSD बाय करते हैं या फिर आपके लैपटॉप के अंदर अगर वर्जन 1.0 है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर जो M.2 का जो स्लॉट है वहां पर लिखा हुआ है 10 GB/s। तो यहां पर 10 GB/s का मतलब यह है कि ये वर्जन 2.0 यहां पर है। तो उसी प्रकार से आप जब भी अपना लैपटॉप खोलेंगे तो जहां पर ये कार्ड लगा हुआ है यानी कि M.2 स्लॉट है वहां पर देखेंगे, या तो वहां पर वर्जन लिखा हुआ मिलेगा VER या फिर V1.0 या फिर V2.0 या फिर VER2.0 या फिर 6 GBPS या फिर 10 GBPS जैसे आप देख पा रहे हैं लगा हुआ है, या फिर 16 GBPS लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरीके से आपके लैपटॉप ऑलरेडी मेंशन रहता है, आप उससे पहचान पाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अगर मेंशन नहीं है तो उसके अंदर जो भी वाईफाई कार्ड लगा हुआ है उस कार्ड का स्पेसिफिकेशन नेट पर जाकर के सर्च करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कार्ड कौन सा वर्जन का है, तो उसी वर्जन का आपको SSD परचेस करना होगा। तो यहां पर इस तरीके से, तो जो सेकेंड वर्जन है 2.0, तो अगर इसके अंदर जो स्पीड मिलेगी 10 GBPS, तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर हमें बाइट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 1 GB/s ये इसकी स्पीड मिलने वाली है। अगर उसके बाद हम अगला वर्जन बात करें तो 3.0 है जिसके अंदर आपकी स्पीड मिलेगी 16 GBPS, और बाइट में अगर हम चेंज करेंगे इसको तो 2 GB/s की स्पीड इसके अंदर मिलने वाली है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो वर्जन 4.0, ये मार्केट में बिल्कुल रनिंग में है, यानी कि 3.0 और 4.0 ये बिल्कुल रनिंग में है। और इसकी 4.0 अगर आपके लैपटॉप के अंदर हुआ तो या तो 4.0 लिखा हुआ मिलेगा या फिर 32 GBPS मिलेगा लिखा हुआ या फिर अल्ट्रा लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप ये समझें कि वो जो है 4.0 वर्जन का जो है वो M.2 स्लॉट है।
या फिर ये भी हो सकता है कि पीसीआई ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये जो है फिजिकली पीसीआई एक्सप्रेस वाला जो स्लॉट है उसी से फिजिकली कनेक्ट इसका बिल्कुल डायरेक्ट रहता है। तो यहां पर जो है X4 जो पीसीआई 4.0 वाला है वो X4 यानी कि 4 लेन को एलोकेट करता है यहां पर। तो यहां पर जो इसकी स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 32 GBPS, यानी कि अगर बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 GB/s इसकी स्पीड मिलने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतर, अगर आपके लैपटॉप के अंदर M.2 स्लॉट हुआ तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, यानी कि आप बहुत ही बेहतर से बेहतर SSD उसके अंदर बाय कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा स्लॉट है, यानी कौन सा उसका इंटरफेस है, उसी के हिसाब से आप SSD को बाय करेंगे। तो SSD के बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे कौन सा SSD आपको परचेस करना चाहिए अगर M.SATA है या फिर M.2 है। तो अब यहां पर M.2 के अंदर आपको ये सारे रनिंग में आपको मिल जाएंगे, यानी कि अभी जो ओल्ड वर्जन यानी कि 2.1.0 आपको M.2 में SSD मार्केट में नहीं मिल पाएगी, 2.0 भी नहीं मिल पाएगी। अगर आज के डेट में देखेंगे 3.0 यानी कि 2.0 भी कुछ हद तक मिल सकती है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन अगर आपका लैपटॉप हुआ तो, यानी कि 2.0, 3.0 और 4.0 ये बिल्कुल रनिंग में चल रहा है। आप इसको जो है मार्केट से बाय करके अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर M.SATA की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो फर्स्ट वाले वर्जन के लिए ही SSD मिलती है। तो उसके अंदर आप सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो है अगर DVD राइटर भी यूज करना चाहते हैं या फिर आपके लैपटॉप के अंदर DVD राइटर पहले से नहीं है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा हूं कि उसके अंदर आप कैसे DVD राइटर के जगह पर आप जो है SATA SSD यूज कर पाएंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप अपने DVD राइटर को निकाल करके और SATA SSD यूज कर पाएंगे। अगर आप जो है DVD राइटर भी यूज करना चाहते हैं या फिर आपके लैपटॉप के अंदर DVD राइटर नहीं लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि जो पहले से HDD लगा हुआ है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है वो भी रहे और अलग से भी SSD रहे, तो आपको अपना Wi-Fi कार्ड निकाल करके और आपको ये M.2 आपके लैपटॉप के अंदर हुआ तो ये SSD या फिर M.SATA आपके अंदर स्लॉट हुआ तो वो SSD आपको लगाना होगा। तो इससे आप जो है दोनों को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि स्लॉट से रिलेटेड आज जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान के हर नागरिक को बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकें, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकें, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर के बिना बिल्कुल जीवन ही असंभव है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी को जाकर के इंस्टीट्यूशन में कोर्स करना जरूरी है, सभी को जाकर के पढ़ाई ही करना जरूरी है तभी जाकर के टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, तभी जाकर के आपको जो है कंप्यूटर के बारे में पता लगेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर वो इंटरनेट चलाता है या फिर अगर वो वीडियोस देखते हैं और ये सारी वीडियोस देखते हैं तो घर बैठे बैठे कंप्यूटर के हर सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं और आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं बिल्कुल घर बैठे बैठे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।